हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। द ग्रेड ऑफ वेरी फाइन पाउडर इज 44, 85, 22, 120। कितना होता है ग्रेड ऑफ वेरी फाइन पाउडर? तो हमने ग्रेड ऑफ पाउडर्स एंड सीव नंबर्स देखे थे। ग्रेड ऑफ पाउडर्स एंड सीव नंबर थ्रू विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास। तो कोर्स पाउडर के लिए होता है सीव नंबर 10, मॉडरेटली कोर्स 22, मॉडरेटली फाइन 44, फाइन 85 एंड वेरी फाइन 120। क्वेश्चन में हमसे पूछा है ग्रेड ऑफ वेरी फाइन पाउडर, तो ये हो जाएगा 120। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 10, 22, 44, 85 एंड 120। कोर्स मॉडरेटली, कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन एंड देन वेरी फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ सेल्यूटैब इन टैबलेट मैन्युफैक्चर इज डाइल्यूएंट, एड्सॉर्बेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट। क्या होता है सेल्यूटैब? तो ये होता है डाइल्यूएंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड डाइल्यूएंट्स होते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। ये होते हैं फिलर्स डिजाइन टू मेक अप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ टैबलेट। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे कॉमनली यूज डाइल्यूएंट कौन सा होता है। कॉमनली यूज डाइल्यूएंट तो ये होता है लैक्टोज, लैक्टोज, मैनिटॉल, ये होते हैं डाइल्यूएंट्स। एड्सॉर्बेंट तो लाइट कैओलिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होते हैं एड्सॉर्बेंट। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स स्टार्च, बेंटोनाइट, मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, ये होते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। देन बाइंडिंग एजेंट्स तो बाइंडर्स होते हैं जिलेटिन, अकेशिया, ट्रगाकांत, पीवीपी, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। देन नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडर इज, तो ये होता है जिलेटिन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज ए बाइंडर इज जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम इज कोल्टर काउंटर, माइक्रोस्कोप, हेम्पेल ब्यूरेट, हेलियम डेंसिटोमीटर। कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम? तो ये होता है कोल्टर काउंटर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन सम पेरेंटल सॉल्यूशंस एज एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, सोल्यूबिलाइजर। क्या होता है बेंजाइल अल्कोहल एंड किस लिए इसे यूज करते हैं इन सम पेरेंटल सॉल्यूशंस? तो ये होता है प्रिजर्वेटिव। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसे ऐड करते हैं टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये होता है प्रिजर्वेटिव। देन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, किस लिए ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स को इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस? तो इन्हें ऐड करते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग। एग्जाम्पल्स क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स के? तो हाइड्रोक्विनोन, देन लेसिथिन, सोडियम बाइसल्फाइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, गैलिक एसिड, ये सभी होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन रीजन फॉर इंक्लूडिंग मिथाइल सेल्यूलोज इन ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशंस इज टू इंक्रीज ड्रॉप साइज, टू डिक्रीज ड्रॉप साइज, टू डिक्रीज टियरिंग, टू इंक्रीज ऑक्युलर कॉन्टैक्ट टाइम। किस लिए यूज करते हैं मिथाइल सेल्यूलोज का इन ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशंस? तो इसे यूज करते हैं टू इंक्रीज ऑक्युलर कॉन्टैक्ट टाइम। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स इज 60 मिनट्स, 3 आवर्स, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स। कितना होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम? तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का होता है 60 मिनट्स एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का होता है 30 मिनट्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ जिलेटिन। देन शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन विच कैप्सूल शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो शार्क लिवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल तो 21 टू 24 डिग्री सेल्सियस। देन रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल तो ये होता है 0.8:1। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए कितना होता है रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन? तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए होता है 0.4:1। देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर इंटेरिक कोटेड बाय यूजिंग, किसका यूज करते हैं टू इंटेरिक कोटिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स? तो ये होता है फॉर्मेलिन।
देन ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन कैप्सूल्स, तो टिटेनियम डाइऑक्साइड. मोस्ट रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है, ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन कैप्सूल्स इज टिटेनियम डाइऑक्साइड. देन जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो ब्लूम स्ट्रेंथ. नॉर्मली कितनी होती है ब्लूम स्ट्रेंथ, तो 200 to 240 ग्राम्स. देन विच ड्रग्स कैनॉट बी फिल्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, तो ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स. ठीक है, देन ये 3 आवर्स किसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है, तो ये डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का, 2 to 3 आवर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द यूजुअल मैक्सिमम वॉल्यूम अलाउड एज ए पैरेंटल पैकेज फॉर बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml. कितना मैक्सिमम वॉल्यूम अलाउड होता है एज ए पैरेंटल पैकेज फॉर बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन, तो ये होता है 30 ml. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ हार्ड कैप्सूल साइज 0 इज 100 mg, 300 mg, 350 mg और 450 mg. कितनी होती है हार्ड कैप्सूल साइज 0 की कैपेसिटी, तो कैप्सूल साइज पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज होता है कैप्सूल नंबर 5. स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 5 एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 000. 000 कैप्सूल होती है लार्जेस्ट कैप्सूल. कैपेसिटी कितनी होती है 950 mg. देन उसके बाद आता है 00, कैपेसिटी 650 mg. देन आता है कैप्सूल नंबर 0, कैपेसिटी 450 mg. देन आता है कैप्सूल नंबर 1, कैपेसिटी होती है 300 mg. देन कैप्सूल नंबर 2, कैपेसिटी होती है 250 mg. कैप्सूल नंबर 3, कैपेसिटी 200 mg. कैप्सूल नंबर 4, कैपेसिटी 150 mg. देन स्मॉलेस्ट जो कैप्सूल साइज होता है नंबर 5, उसकी कैपेसिटी होती है 100 mg. क्वेश्चन में पूछा है नंबर 0 की कैपेसिटी, तो नंबर 0 की कैपेसिटी होती है 450 mg. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है, लार्जेस्ट कैप्सूल साइज होता है 000 एंड स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज होता है 5. देन लार्जेस्ट कैप्सूल साइज 000 की ml में कैपेसिटी होती है 1.37 ml एंड स्मॉलेस्ट साइज नंबर 5 की ml में कैपेसिटी होती है 0.13 ml. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग्स इज यूज्ड टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग्स, इंटेरिक, शुगर कोटिंग, डिप और कंप्रेशन. टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग्स इज यूज्ड टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग्स, कौन सी कोटिंग का यूज करते हैं टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग्स, तो ये होती है शुगर कोटिंग. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. शुगर कोटिंग इज डन टू मास्क द बिटर एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट्स. ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है शुगर कोटेड टैबलेट का, तो ये होता है 60 मिनट्स. देन शुगर कोटिंग प्रोसेस में आता है सील कोटिंग, देन सब कोटिंग, देन सिरप कोटिंग, फिनिशिंग, देन पॉलिशिंग. इसमें सील कोटिंग इज डन टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन एंड इसमें यूज करते हैं शेलैक का. सब कोटिंग इज डन टू इंक्रीज साइज एंड बल्किनेस ऑफ टैबलेट. क्या यूज करते हैं सब कोटिंग में, तो अकेशिया जिलेटिन. देन आता है सिरप कोटिंग. सिरप कोटिंग इज डन टू कवर रफनेस, कलरेंट्स को ऐड करते हैं इन सिरप कोटिंग. देन आता है फिनिशिंग एंड लास्ट में आता है पॉलिशिंग. पॉलिशिंग इज डन बाय बीजवैक्स. शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स. ये भी बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है. शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स. देन इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर मीन टू बी डिसइंटीग्रेटेड इन इंटेस्टाइन. इंटेरिक कोटिंग मटेरियल क्या होता है, तो सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट. डिसइंटीग्रेशन टाइम 2 to 3 आवर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज इज कॉल्ड ड्रॉट, एलिक्जर, लिंक्टस, कोलोडियन. क्या बोलते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज, तो ये होता है ड्रॉट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एंड इसका एग्जाम्पल होता है ईपेकैकुना ड्रॉट. लैटिन टर्म क्या है ड्रॉट के लिए, तो हॉस्टस. हॉस्टस इज ड्रॉट. देन एलिक्जर, तो एलिक्जर होते हैं क्लियर्ड, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, देन स्वीटन, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. क्लियर्ड, प्लेजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीटन, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. एग्जाम्पल्स क्या है एलिक्जर्स के, तो पैरासिटामोल एलिक्जर आता है, क्लोरफिनिरामाइन एलिक्जर. ठीक है, लिंक्टस एस,
तो ये होते स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूजुअली कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंस विच आर हैविंग सेडेटिव एंड एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज. स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेस विच आर हैविंग सेडेटिव एंड एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज. एग्जाम्पल क्या है? कोडेनलिंगटस. ठीक है. कोलोडियम क्या है? तो ये लिक्विड प्रिपरेशन होता है फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग पायरोजाइलिन. लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग पायरोजाइलिन इज कोलोडियम. एंड इन्हें अप्लाई किया जाता है विद ए ब्रश. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिल इज यूज फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स? बॉल मिल, कटर मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल. कौन सी मिल का यूज करते हैं फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स? तो बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, ये होता है फ्लूइड एनर्जी मिल. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज करते हैं फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स. वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है फ्लूइड एनर्जी मिल का? तो इंपैक्ट एंड एट्रिशन. देन मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट, तो ये भी होती है फ्लूइड एनर्जी मिल. बॉल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल, तो ये भी होता है इंपैक्ट एंड एट्रिशन. कटर मिल, कटिंग. हैमर मिल, इंपैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट इन फार्मेसी इज? इथिलीन ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नन. मोस्ट वाइडली यूज गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट, तो ये होता है इथिलीन ऑक्साइड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. स्टरलाइजेशन बाय गैस इज डन बाय फॉर्मल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड. एंड ये होती है केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन बाय गैस आता है केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में. एंड इसे यूज किया जाता है फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल मटेरियल्स, देन इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. इसमें यूज करते हैं इथिलीन ऑक्साइड का. नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस. इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक होता है नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल यूज एज कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग इज? पीईजी, इथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, ऑल ऑफ दी अबव. इनमें से कौन से कोटिंग मटेरियल का यूज करते हैं फॉर फिल्म कोटिंग? तो फिल्म कोटिंग में यूज करते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का, इथाइल सेल्यूलोज का एंड हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज का. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इन सभी का यूज करते हैं एज ए कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग. एंड अभी आप मुझे बताएंगे पर्पज ऑफ फिल्म कोटिंग, किस लिए करते हैं फिल्म कोटिंग. तो फिल्म कोटिंग इज गिवन टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम एटमोस्फेरिक कंडीशन लाइक मॉइस्चर. ठीक है. डिसइंटीग्रेशन टाइम फिल्म कोटेड टैबलेट का, तो 30 मिनट्स होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट्स. देन कौन से होते हैं फिल्म कोटिंग टैबलेट डिफेक्ट्स? तो इनमें आता है चीपिंग, क्रैकिंग, देन ऑरेंज पील, देन ब्लिस्टरिंग. चीपिंग क्या होता है? तो चीपिंग होता है ड्यू टू एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस. क्रैकिंग होता है ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन फिल्म. देन ऑरेंज पील, तो पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. ऑरेंज पील इज ड्यू टू पुअर स्प्रेडिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. देन ब्लिस्टरिंग, तो ब्लिस्टरिंग इज ड्यू टू ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग. ठीक है. ये टैबलेट डिफेक्ट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. चीपिंग, क्रैकिंग, ऑरेंज पील, ब्लिस्टरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास कंटेनर शुड कंप्लाई विद दी हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लीकेज, नन. ग्लास कंटेनर शुड कंप्लाई विद दी, तो ये हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ग्लास कंटेनर शुड कंप्लाई विद दी हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस. अभी आप मुझे बताएंगे मोस्ट डिजायरेबल ग्लास कंटेनर फॉर इंजेक्टेबल्स आर मेड अप फ्रॉम. किसे बने हुए होते हैं मोस्ट डिजायरेबल ग्लास कंटेनर्स फॉर इंजेक्टेबल्स? तो ये बने हुए होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास से. बोरोसिलिकेट ग्लास होती है टाइप वन ग्लास. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मोस्ट डिजायरेबल ग्लास कंटेनर फॉर इंजेक्टेबल्स आर मेड अप फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास. ये होती है टाइप वन ग्लास. टाइप टू ग्लास कौन सी होती है? हाईली रेजिस्टेंस सोडा लाइम ग्लास. टाइप थ्री मॉडरेटली रेजिस्टेंस सोडा लाइम ग्लास. एंड टाइप फोर जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास. टाइप फोर होती है नॉन पैरेंट्रल ग्लास. ठीक है. देन वाटर अटैक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म फॉर, कौन सी ग्लास पे करते हैं वाटर अटैक टेस्ट? तो ये होती है टाइप टू ग्लास, हाईली रेजिस्टेंस सोडा लाइम ग्लास. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड फैब्रिक्स कैन बी ऑटोक्लेव्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट्स,
121 degree Celsius to 122 degree Celsius for 15 minutes, 150 degree Celsius for 60 minutes, 115 to 180 degree Celsius for 30 minutes. Surgical dressings and fabrics can be autoclaved at a temperature of. कौन से टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड फैब्रिक्स को? तो ये होता है 121 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। प्रिंसिपल क्या होता है? तो कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। एंड ये होता है फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इसे यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे ये ऑप्शन ए में जो दिया गया है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट्स, ये किसका टेम्परेचर होता है? किसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट्स? तो ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है फॉर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। प्रिंसिपल क्या होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का? तो ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। एंड सीजर्स, स्कैल्पेल्स, ग्लासवेयर्स, देन सल्फोनामाइड्स, इनके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। ठीक है, देन क्या आप में से कोई बता सकता है केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो ये होता है टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, यूवी रेडिएशन, बैक्टेरिसाइडल स्टरलाइजेशन। क्या होता है स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग? तो अभी हमने डिस्कस किया ऑटोक्लेविंग इज मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आता है फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में। किसका यूज करते हैं? ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स, आईवी फ्लूइड्स के लिए यूज करते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। प्रिंसिपल क्या है? कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ग्लासवेयर, सीजर, स्कैल्पेल्स के लिए यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। देन यूवी रेडिएशन, तो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस, असेप्टिक एरियाज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर स्टरलाइज्ड बाय यूवी रेडिएशन। ठीक है, ये बैक्टेरिसाइडल स्टरलाइजेशन आता है केमिकल मेथड में। स्टरलाइजेशन के केमिकल मेथड में आता है बैक्टेरिसाइडल स्टरलाइजेशन। ये होता है स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टेरिसाइड। एंड इसमें यूज करते हैं क्लोरोक्रेसोल का, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट का। एंड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ एक्वस प्रिपरेशंस व्हिच आर अनस्टेबल एट हायर टेम्परेचर यूज किया जाता है बैक्टेरिसाइडल स्टरलाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजुअल एक्सपायरी डेट ऑफ ए पेरेंटल एडमिक्सचर प्रिपेयर्ड इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी इज 1 hour, 24 hours, 48 hours, 1 week। कितना होता है यूजुअल एक्सपायरी डेट ऑफ ए पेरेंटल एडमिक्सचर प्रिपेयर्ड इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी? तो ये होता है 24 hours। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्सिपिएंट फॉर एनहेंसिंग सोल्युबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर। पीईजी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, टैल्क और लैक्टोज। एक्सिपिएंट फॉर एनहेंसिंग सोल्युबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर, तो ये होता है पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पीईजी का, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का यूज करते हैं टू इंक्रीज एक्वस सोल्युबिलिटी ऑफ मेडिकामेंट्स। ठीक है, ये एक्सिपिएंट्स होते हैं इनर्ट सब्सटेंसेस दैट आर एडेड अलॉन्ग विद मेडिकामेंट टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स। ये होते हैं एडिटिव्स। सब्सटेंसेस अदर देन द एक्टिव मेडिकामेंट विच डू नॉट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आर एडिटिव्स एक्सिपिएंट्स। ठीक है, ये डाइल्यूएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, देन कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, देन सर्फेक्टेंट्स, बेसेस, ये सभी होते हैं एक्सिपिएंट्स, एडिटिव्स। एमसीसी क्या होता है? तो ये होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। टैल्क क्या होता है? टैल्क होता है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट आर यूज्ड टू एनहांस फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैन्यूल्स। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज होता है डाइल्यूएंट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट इज लैक्टोज। डाइल्यूएंट्स होते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिंजिंग क्रीम्स एट द बॉडी टेम्परेचर आर लिक्विफाइंग, सॉलिडिफाइंग, प्रेसिपिटेटिंग, क्रैकिंग। क्या होते हैं क्लिंजिंग क्रीम्स एट द बॉडी टेम्परेचर? तो ये होते हैं लिक्विफाइंग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लिंजिंग क्रीम्स एट द बॉडी टेम्परेचर आर लिक्विफाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A water soluble substance used as coating material in micro encapsulation process is polyethylene, silicon, hydroxyethyl cellulose, paraffin. कौन से वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस का यूज करते हैं एज ए कोटिंग मटेरियल इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस? तो ये होता है हाइड्रोक्सीइथाइल सेल्यूलोज. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, हाइड्रोक्सीइथाइल सेल्यूलोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉर्बिटॉल 70% कैन बी यूज्ड इन क्रीम प्रिपरेशन एज एंटी इरिटेंट, ह्यूमेक्टेंट, एसेलरेंट, इमल्सिफायर. क्या होता है सॉर्बिटॉल 70% किस लिए यूज करते हैं इसका इन क्रीम प्रिपरेशन? तो ये होता है ह्यूमेक्टेंट. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ह्यूमेक्टेंट का यूज करते हैं टू मॉइस्चराइज एंड एज ए प्रिजर्वेटिव, ठीक है. एंड ह्यूमेक्टेंट्स आर जनरली एडेड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस. देन क्या होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? ह्यूमेक्टेंट्स आर जनरली एक्ट बाय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ह्यूमेक्टेंट्स आर जनरली एक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है. ये एक्ट करते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. एग्जांपल्स क्या है ह्यूमेक्टेंट्स के? तो ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये होते हैं ह्यूमेक्टेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड प्राइमरीली एज ए डाइल्यूएंट्स इन टैबलेट फॉर्मुलेशंस? मैग्नीशियम स्टीरेट, डीसीपी, लैक्टोज, मैनिटॉल. नॉट यूज्ड प्राइमरीली एज ए डाइल्यूएंट्स इन टैबलेट फॉर्मुलेशंस. तो मैनिटॉल डाइल्यूएंट होता है, लैक्टोज ये भी मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट होता है, डीसीपी डाइकैल्शियम फॉस्फेट डाइल्यूएंट होता है, मैग्नीशियम स्टीरेट क्या होता है? ये ग्लाइडेंट होता है. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. मैग्नीशियम स्टीरेट इज नॉट यूज्ड प्राइमरीली एज ए डाइल्यूएंट्स. बाकी ये सभी होते हैं डाइल्यूएंट्स. मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट होता है लैक्टोज. देन आइडियल डाइल्यूएंट फॉर कंप्रेस्ड वजनल टैबलेट होता है लैक्टोज. देन स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट फॉर्मूला मैनिटॉल. मैनिटॉल इज ए शुगर अल्कोहल. ए शुगर अल्कोहल इज मैनिटॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टैबलेट इज नोन एज कैपिंग, पीकिंग, स्टीकिंग, मॉटलिंग. कौन सा टैबलेट डिफेक्ट होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टैबलेट? तो इसे बोलते हैं कैपिंग. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एंड ए कैपिंग होता है ड्यू टू इंट्रैपमेंट ऑफ एयर. कैपिंग इज ड्यू टू इंट्रैपमेंट ऑफ एयर. पिकिंग क्या है? तो मटेरियल इज पिकअप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सर्फेस ऑफ द टैबलेट. स्टिकिंग, एडेशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाइवॉल. मॉटलिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन ए टैबलेट सर्फेस. ये सभी टैबलेट डिफेक्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देन और एक टैबलेट डिफेक्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लैमिनेशन. लैमिनेशन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लैमिनेशन होता है सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय, तो ये हो जाएगा पैसिव डिफ्यूजन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इन अ टैबलेट फॉर्मुलेशन? इंप्रूविंग फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स, रिड्यूसिंग पाउडर एडेशन ऑन टू द डाइज एंड पंचेस, इंप्रूविंग टैबलेट वेटिंग इन द स्टमक, रिड्यूसिंग पंच एंड डाइवियर. नॉट ए फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इन अ टैबलेट फॉर्मुलेशन. इनमें से कौन सा लुब्रिकेंट का फंक्शन नहीं है? तो इंप्रूविंग फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैनुल्स लुब्रिकेंट का फंक्शन है, रिड्यूसिंग पाउडर एडेशन ऑन टू द डाइज एंड पंचेस लुब्रिकेंट का फंक्शन है, रिड्यूसिंग पंच एंड डाइवियर लुब्रिकेंट का फंक्शन है, इंप्रूविंग टैबलेट वेटिंग इन द स्टमक इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. ये लुब्रिकेंट का फंक्शन नहीं है, इंप्रूविंग टैबलेट वेटिंग इन द स्टमक, ठीक है. ये लुब्रिकेंट्स रिड्यूस कराते हैं इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन ड्यूरिंग द टैबलेट कंप्रेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट एंड डाइवॉल ड्यूरिंग टैबलेट इजेक्शन, ठीक है. कौन से होते हैं लुब्रिकेंट्स? तो टैल्क, देन मैग्नीशियम स्टीरेट, जिंक स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट, ये होते हैं लुब्रिकेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट्स आर डिजाइन टू एग्जर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट. बकल टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स, डेंटल कोन्स, लोजेंजेस. टैबलेट्स आर डिजाइन टू एग्जर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट. तो ये होते हैं लोजेंजेस. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर.
Lozenges are meant to dissolve slowly in the mouth to produce continuous effect on the mucous membrane of the throat. ठीक है, Lozenges are designed to exert local effect in throat. What are buccal tablets? तो tablets placed inside the cheek are called buccal tablets. Sublingual tablets. Tablets which are to be placed under the tongue, where they dissolve quickly and absorb directly without passing into GIT. Tablets which are to be placed under the tongue, where they dissolve quickly and absorb directly without passing into GIT are sublingual tablets. Dental cones. तो इन्हें यूज करते हैं इन ओरल कैविटी. टैबलेट्स मीन फॉर प्लेसिंग देम इन द एम्प्टी सॉकेट्स आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन आर डेंटल कोन्स. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.